इतने में पता नहीं राहुल कहाँ से आ गया था। राहुल, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। सपना, क्यों कोई टांग खींचने वाला नहीं मिला होगा? राहुल, वो मैं तुम्हारे कमरे में गया था तो तुमने वो सामान क्यों तैयार किया हुआ है? क्या सुबह वापस जाने का इरादा है? सपना, हाँ वो मैं सुबह पापा के साथ वापस जा रही हूँ, मेरे एग्जाम्स सर पर हैं ना। राहुल, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी 2 दिन पहले तो आप आई हो। सपना, तो क्या हुआ, एग्जाम के बाद फिर आ जाऊंगी? हालांकि वो जानती थी कि ऐसा अब कभी नहीं होगा। अब राहुल के ज्यादा कहने पर, अच्छा बाबा सुबह देखते हैं कि क्या करना है। सपना ये कहकर सीढ़ियों की तरफ चल गई और अपने शोल्डर बैग से डायरी निकाल कर लिखने लगी, जो वो बचपन से लिखती चली आ रही थी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो डायरी लिखे बगैर सोई हो। और अपनी खास चीजें, जिनमें खास तौर पर सपना की डायरी और अली की पिक्चर्स तो लाजमी होती थी, जिसे वो अपने शोल्डर बैग में ही रखती थी। कुछ देर बाद डायरी लिखने के बाद सपना भी सो गई। रात को रस्में वगैरह देर तक चलने की वजह से सब देर से सोए थे, जिसकी वजह से सभी देर से जागे। सपना की जब आंख खुली तो उसने टाइम देखा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। सपना एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी, सामने गुलदान में फ्रेश फूल देखकर बड़बड़ाई, ये राहुल भी ना, जो भी हो ताज़ा फूलों का गुलदस्ता कभी नहीं भूलता। बचपन में अपनी पसंद के फूलों का बताया था, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं। बेड से उठकर हाथ में फूल थामे उसने विंडो का पर्दा साइड पे किया। अभी ही सूरज पूरी तरह आश्कार नहीं हुआ था, क्योंकि धुंध शदीद थी, जिसकी वजह से मौसम सुहाना सा था। सपना खेतों की तरफ देख रही थी। नजर हवेली के डेरे पर पड़ी, जहां राहुल किसी को बहुत बेदर्दी से मार रहा था। इसके सामने एक आदमी हाथ बांधे गिड़गिड़ा रहा था, जो होलिये से कोई मुलाजम ही लग रहा था। राहुल थोड़ी देर उसको मारने के बाद पीछे हटा तो राहुल के साथ कुछ आदमियों ने उसी आदमी को मारना शुरू कर दिया। अब वो आदमी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। सपना वहीं खड़ी कांप रही थी, ना जाने कब उसके हाथ से वो फूल भी गिर गया था, जो राहुल ने उसके कमरे में गुलदान में सजा कर रखा था। सपना वहीं खड़ी इसी जगह को देख रही थी, मगर वो लोग जा चुके थे राहुल समेत, मगर वही आदमी वहीं गिरा पड़ा था, निढाल और मदहोश। सपना बहुत हैरान थी कि बचपन में तो राहुल काफ़ी गुस्से वाला था, मगर अब भी उसकी तबीयत वैसी की वैसी ही है। उसके दिमाग में इसी तरह के सवाल चल रहे थे। फिर सपना ने खुद को संभाला और सोचा कि अब वो राहुल से बात ज़रूर करेगी। ये क्या तरीका होता है? इसे खूब गुस्सा आ रहा था। वो तैयार हुई और नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा घर के सब अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इतने में राहुल भी आ गया। सपना तेज से सीढ़ियाँ उतरते हुए राहुल की तरफ बढ़ी। वो इसके पास पहुंची ही थी कि इससे पहले वो कुछ कह पाती, इधर से राहुल की बहन आलिया की आवाज़ सपना के कानों में गूंजी। देखिए देखिए, सपना कितनी बेचैन थी राहुल भाई से मिलने के लिए। छोटी चच्ची, जो अपने बेटे समीर के बालों में हाथ फेरते हुए, हाँ हाँ हो भी क्यों नहीं, आखिर इसकी मंगेतर जो है आलिया, अब आप लोगों को ही शादी की बारी है। Thank you.